لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कभी कभी लोग शिकायत करते हैं कि हम चिड़चिड़े होते हैं, गुस्से में होते हैं या गुस्से में रहते हैं और अपने अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पाते हैं, बात बात पे झुंझला जाते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं और घर में डांट डपट, एक गुस्से का माहौल। तो ये क्या है ये सब कुछ? देखें, इन चीज़ों का ताल्लुक बहुत ज़्यादा आपके दिमाग और आपके दिल से है। इन दोनों चीज़ों का, इन सारी चीज़ों का ताल्लुक इन दो चीज़ों से है। आपका दिमाग का क्या स्टेट है और आपके दिल का क्या स्टेट है। जो इंसान अपने दिल में सुकून नहीं पाता वो बेसुकून होता है और बेसुकून आदमी एक रद्द अमल का इजहार कभी ना कभी करता है। कुछ लोगों में ये कैपेसिटी होती है कि वो उसको बहुत देर तक सहन कर सकते हैं लेकिन इवेंचुअली वो बर्स्ट आउट हो जाते हैं, और कुछ लोग फौरन जल्दी जल्दी बर्स्ट आउट हो जाते हैं। एक फ्रस्ट्रेशन होती है इंसान के अंदर, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन का कॉज पता करें, क्या वजह है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। अगर इसका ताल्लुक किसी ऐसे अमर से है जिसका ताल्लुक तकदीर से है तो उस पर तो आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए यही इंतज़ाम हुआ है और ये आपका इम्तिहान है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम्हें ज़िंदगी और मौत इसीलिए दी है कि लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि जब तुम लौटो तो देखे तुम में से कौन कामयाब होकर आया है। तो ये उलझन अगर इस तरह सुलझाई जा सकती है तो इससे बेहतरीन इसका कोई हल नहीं है कि राजी व रजा रहें उस चीज पर जो रब ने आपको अता की। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और इसका ताल्लुक अगर किसी और से है, किसी और वजह से है, तो आप ये देखें कि कहीं आप एक चीज की फ्रस्ट्रेशन दूसरी चीज पे तो नहीं निकाल रहे। कभी ऐसे होता है ना, ससुरालियों की फ्रस्ट्रेशन आप बच्चों पे निकाल देते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चे ख़राब हो जाते हैं, उनकी ज़हनियत, उनकी नफ्सियात ख़राब हो जाती हैं, उनकी ज़बानें और उनके सोचने का ढंग, उनके मासूम नन्हे से दिल, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। फिर बड़े होकर वो इसी तरह का रद्द अमल देते हैं। एक और वजह इसकी ये भी होती है कि कभी कभी दिमाग वहां नहीं होता जहां आप फिजिकली मौजूद होते हैं। ये एक बहुत कॉमन फैक्टर लोगों में देखा गया है जो फ्रस्ट्रेशन या बड़े अजीब से रद्द अमल का इजहार करते हैं कि वो मेंटली वहां नहीं होते जहां वो फिजिकली मौजूद होते हैं, उनका दिमाग कहीं और होता है। तो जहां उनका दिमाग होता है वहां से जब कोई उन्हें निकालता है तो वो उसका रद्द अमल चिड़चिड़ाहट से देते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि आप उस लम्हे में जिएं जिस लम्हे में आप फिजिकली भी मौजूद हों। अगर आप फिजिकली और मेंटली दो अलग अलग जगह पर होंगे तो फिर नतीजतन आप एक रद्द अमल करेंगे उस शख्स के लिए जो आपको उस स्टेट से बाहर निकालता है। ये बेसिक फिनोमेनन है ह्यूमन फंक्शनिंग के, ह्यूमन माइंडसेट के। इसलिए बहुत सारे लोग जो ख्याली दुनिया में रहते हैं, जब रियलिटी उनको हिट करती है तो वो बिदक जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, कुछ अफसोस में आ जाते हैं, कुछ रोना धोना शुरू कर देते हैं, कुछ कोसना शुरू कर देते हैं, कुछ गालियां देना शुरू कर देते हैं, कोई ब्लेम गेम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो हम आहंगी पैदा नहीं कर पाते रियलिटी में और फैंटेसी में। और एक और वजह यह है कि बहुत सारे लोग कुछ चीज़ें जो हैं जब उनके आपे से बाहर हो जाती हैं तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। देखो, तुम्हारे आपे में तो वैसे ही कुछ नहीं है, तुम्हारे आपे में तो वैसे ही कुछ नहीं है, और जो कुछ तुम्हारे आपे में है उसको संभालने की कोशिश करो और जितना तुम्हारे से हो सकता है संभलेगा, जो नहीं संभलेगा उस वो तुम्हारे हाल में नहीं था, लेकिन तुमने मेहनत करनी है, तुमने मेहनत करनी है, सही वक्त पर मेहनत करनी है। बहुत सारे लोग जो है
फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बच्चों के ऊपर, अरे तुम ये भी नहीं करते, तो भाई तुमने उन्हें ये कभी बताया, तुमने उन्हें कभी ये बताया? हाउ डू यू एक्सपेक्ट, तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि ऑटोमेटिकली वो ये चीजें करना शुरू कर देंगे जब तक तुम उनकी तरबियत नहीं करोगे, तुम इन्हें बताओगे नहीं। और फिर ये भी होता है कि 50,000 दफा तुम्हें समझाया, समझ में नहीं आता। कहते हैं ना, हम सब कहते हैं, लेकिन एक लम्हे को सोचो, जितने गुनाह मैं और आप मिलके करते हैं ना, उस परवरदिगार ने कितनी दफा समझाया, समझ में नहीं आता। उस रब ने कितनी दफा समझाया है, लेकिन हमारी समझ में आता है? तो इसी तरह की मर्सी अगर हम अपने दिल में पैदा करें कि हमारा रब हम पर कितना रहम करता है, तो इसलिए हमें भी चाहिए कि उसके बंदों पे रहम करें। और ये रहम की एक इम्प्लीमेंटेशन है कि अगर कोई समझता नहीं तो हो सकता है उसको हम में समझा नहीं पाए सही तरीके से, या हो सकता है उसकी फहम वहाँ नहीं हो या हम समझते हैं, या हमने चीज़ों को उसके लिए उस तरह ब्रेक डाउन नहीं किया जिस तरह वो समझ सकता है। ये अभी ये कबलस वक्त है, ये इसकी तबीयत के खिलाफ है। ये बात, ये और तरह का आदमी है, वो हम नहीं हम वो नहीं, दो एक जैसे आदमी तो हो नहीं सकते ना। बहरहाल बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए अपने आप को जब इंसान समझने लगता है ना कि सारी चीज़ें मैं करूंगा और मेरी मर्जी से होंगी और मेरे तरीके से होंगी, और जब नहीं होती तो झुंझला जाता है, चिड़चिड़ा जाता है। तो आप, इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि भाई मसाइल लाने से पहले अपने साथ थोड़ा सा वक्त बिताओ। अपने साथ थोड़ा सा वक्त बिताने का क्या मतलब है? तुम खुद को समझने की कोशिश करो, अपने मसाइल के रूट कॉजेस को तलाश करो कि मुझे ये जो परेशानी हो रही है उसकी वजह क्या है, मैं इस तरह जो कर रहा हूं वो कब कब करता हूं और क्यों क्यों करता हूं। इसी तरह वहम है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज आपको खुद करना पड़ेगा कि जब वहम आए ना उन्हें आपने थ्रो अवे कर देना है। वहम क्या है? एक काम आपने किया नहीं लेकिन आपके दिल में ये शक है कि आपने कर लिया, इसको वहम कहते हैं। और यही वसवसे की सूरत में भी आ सकता है, और जब ये आए ये शैतानी हमला होता है, क्योंकि शैतान इंसान को परेशान करके खुश होता है, क्योंकि परेशान इंसान नाशुक्री के करीब होता है, और जब नाशुक्री बढ़ जाती है तो कुफर के करीब हो जाता है। तो इसीलिए इन चीजों को यहीं पर अपने से रफा दफा कर दे, इन वसवसों को, इन तोहमात को, इन वहमों को, इसी तरह सुपरस्टिशंस को। ये बेकार की बातें हैं, बेकार की बातों को अपनी जिंदगी से निकाल दो, बड़े खुश रहोगे। उन चीजों पर टेंशन नहीं लो जिनके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल ही कोई नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम और आप मिलकर इन चीजों का उपकर जरा ध्यान देना तो बहुत सारे मसले ऐसे हल हो जाएं, तुम्हारे दिमाग और तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा सुकून में आ जाए, और साथ साथ अपने साथ रहने वालों का जहन भी बनाते रहो पॉजिटिव रियलिटी के ऊपर, एक फैंटेसी वर्ल्ड से दूर, लाइमलाइट से दूर। ये बेटा रियलिटी है, सबको सब कुछ नहीं मिल सकता, ये रियलिटी है। तुम्हें जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा ये हकीकत से दूर बात है। तुम सारी कायनात की दौलत भी इकट्ठी कर लो तो फिर भी तुम्हें और की हवस रहेगी, ये इंसान की फितरत है। इस दुनिया की जिंदगी में तुम बिल्कुल मुतमईन हो जाओ, खुश हो जाओ दुनिया हासिल करके, ये नामुमकिन है, क्योंकि इंसान की जो रूह है उसका ताल्लुक पाला है आला से है, अपने रब से है। तो उसकी खुशी इसी में है कि वो रब से जुड़ी रहे, जब वो रब से टूटती है तो बेसुकून हो जाती है। और नफ्स के पुजारी बनकर अगर हम दुनिया इकट्ठी करते रहें तो नफ्स बेचैन ही रहता है, रूह भी बेचैन रहती है, क्योंकि नफ्स को हवस होती है ज्यादा से ज्यादा की, और रूह को बेचैनी होती है रब से ताल्लुक टूटने की। तो सुकून इसी में है कि नफ्स को रूह के ताबे किया जाए और रूह को रब से जोड़ा जाए। और रब से जुड़ने का यह मतलब नहीं है कि तुम 24 घंटे मुसल्ले पर बैठे रहो, अच्छे अखलाक भी तो रब से जुड़ना है, प्यार मोहब्बत भी रब से जुड़ना है।
تمہارا اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا بھی رب سے جڑنا ہے، تمہارا حق حلال کی روزی کمانا بھی رب سے جڑنا ہے، عبادت ہے، تمہارا گھر والوں سے اچھے سے رہنا عبادت ہے، کیونکہ تمہارے رب نے جس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے، جس چیز کا تمہیں کہا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم اپنے رب کی اطاعت میں وہ کام کر رہے ہو نا، تو عبادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ رب کی اطاعت ہے۔ اور اس نے کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو تخلیق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں، اور بغیر اطاعت کی عبادت کیسے ہوتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو رسم ہوگی کوئی، عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے دل کو اس رب ذوالجلال کی خدمت میں لگاؤ، اس کی حضور میں حاضری میں لگاؤ، اور اپنے اندر توکل پیدا کرو کہ محنت کر کے اس پر چھوڑنا بھی سیکھو، دعا مانگ کے مطمئن ہونا بھی سیکھو، اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کی کوشش کرو، اور شیطان کے حملوں کو پہچانو، ان میں الجھو مت، اپنے اندر بہت آرام بہت سکون پاؤ گے۔ اور کوشش کرو جہاں ہو ذہنی طور پر بھی وہیں رہو، جہاں ہو ذہنی طور پر بھی وہیں رہو، لوگوں میں انوالو، لوگوں کے ساتھ گفت و شنید، اپنے اس لمحے میں انوالو رہو گے تو اس کو انجوائے کرو گے۔ بارہ چھوٹی سی باتیں ہیں، ویسے بہت طویل ٹاپک ہے، لیکن چھوٹی سی باتیں میں نے آپ کے سامنے آج تھوڑی تھوڑی عرض کی ہیں، امید کرتا ہوں اس سے آپ سب کو فائدہ بھی ہوگا، اور ضرور بتائیے گا اس پر کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد کہ آپ کی زندگی میں چینج آیا، آپ کے ذہن، آپ کی ذہنی سکون، آپ کے اطمینان قلبی، دل کے سکون میں، آپ کے اطراف کے ماحول میں، آپ کی بات چیت میں، آپ کے عمل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔